अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है मेरे भाइयों आप खैरियत से होंगे। कितनी अफसोस की बात है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से एक कानून एक देश और कानून सबके लिए बराबर है, ये हम और आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ नमाजियों के साथ वो काफ़ी दर्दनाक है। वीडियो साइड में मैंने लगा रखी है, आप इन दोनों वीडियो को देखते रहिए और मेरी गुफ्तगू को भी सुनते रहिएगा। वैसे मैं अक्सर एक शेर बोलता हूँ अपनी वीडियो में, शायद आपको वो याद भी हो गया होगा मेरे दोस्तों, कि कानून सबके लिए बराबर ही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और अगर मेरे इस शेर में दम है तो आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए यही दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली के रोड जब कांवड़ यात्री निकलते हैं तो उन पर फूलों की वर्षा करते हैं, फूल बरसाते हैं, लेकिन जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो भी जुमा के दिन जो कि मस्जिद फुल हो जाती है, तो मजबूरी में लोग रोड पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो यही दिल्ली पुलिस लातों से मारती है। मेरे दोस्तों, इस पुलिस वाले ने जो हरकत की है वो वीडियो तो किसी ने दिखाया ही नहीं है। वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ज़रा मेरे साथ जुड़िएगा और आखिर तक मेरी तमाम गुफ्तगू को सुनिएगा, क्योंकि वो वीडियो दिखाया ही नहीं है कि ये पुलिस वाला कितनी बुरी तरीके से नमाजियों को धक्के दे रहा था और कूद कूद कर झपट झपट कर नमाजियों को मार रहा था। वो तो दिखाया नहीं किसी ने वीडियो। यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक देश एक कानून हमें पढ़ाया गया सिखाया गया, लेकिन क्या बर्ताव किया जाता है वो आपने वीडियो में मुलाजा फरमा लिया होगा। थोड़ी नीचे कर लो सब लोग। सर, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से हंगामा था, लोगों की नाराजगी थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई आपकी तरफ से पुलिस, जिन लोगों के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिन पुलिसकर्मियों के? अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज्यादातर लोग जा चुके हैं, ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर, जनता के लिए क्या अपील है अभी? जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति है, वो बरकरार रखनी है, और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलके यहाँ की पूरी जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको मेंटेन करें। सर, सस्पेंड कितने पुलिसकर्मियों को किया गया? अभी जो चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो वीडियो में देख रहे हैं। हाँ, जो वीडियो में देख रहे हैं। थैंक यू।